नागों से जुड़े कई रहस्य हैं जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। ऐसा ही एक सच आज हम आपको बताने वाले हैं जिसे जान आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहा जाता है कि नाग पुष्प भी होता है जिससे इंसान की इच्छाएं पूरी होती हैं। आपको बता दें कि ये फूल 36 साल में एक बार खिलता है पिछली भोर के समय। ऐसा ही एक दावा फेसबुक यूजर ने साल 2016 में किया। इसी के साथ एक पोस्ट भी शेयर किया जिसे हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस लड़के के अनुसार ये नाग पुष्प खिला है, लेकिन इसके पीछे की असली वजह आपको हैरान होने पर मजबूर कर देगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा पूरी तरह गलत पाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये कोई हिमालय का पेड़ नहीं है और ना ही कोई नाग पुष्प है, बल्कि समुद्र के भीतर पाया जाने वाला जीव है जिसे सी पेन के नाम से जाना जाता है। सर्च के जरिए इसका असली तस्वीर का पता लगाया गया। और आपको बता दें, सी पेन समुद्र के भीतर पाए जाने वाले एक प्रकार का जंतु है, जैसे कोरल। इन्हें एंथोजुआ के नाम से भी जाना जाता है। इस जंतु का नाम सी पेन इसलिए पड़ा क्योंकि ये पंख फैला सकते हैं। इसे दुनिया के तकरीबन हर क्षेत्र के गहरे समुद्री किनारे की ओर देखा जा सकता है जहाँ डाइविंग की जाती है। वहीं नाग पुष्प की बात करें तो ये एक संस्कृत शब्द है जिसका वैज्ञानिक नाम मैस्यू फेरिया है। ये एक सदाबहार पेड़ है और इसके फूल हर साल गर्मी के मौसम में उगते हैं, इसलिए 36 साल में एक बार हिमालय में उगने का दावा सरासर झूठ साबित होता है। साथ ही वायरल तस्वीर नाग पुष्प की नहीं बल्कि एक समुद्री जीव की है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।